Hello everyone, this is Pratik Kode. I welcome you to Anthropology by Pratik Kore. Uh, this is basically a video where we will be dealing with a lot of topics, but before that, let us start with the introduction. I have scored 261 marks in UPSC Prelims uh, Mains 2021. This is basic about me BSc Physics, MA English Literature uh, from SSMM College, Gold Medalist. Uh, upsc mains 2021 2022 uh, the result is pending for uh, this mains. then i have cleared cds on 2019 20 and 2021 fcat on the same CAC exam on 2021 and mpsc means and uh, i also have some of the others exam now this is the free lecture series that i am uh, conducting on an, uh, upsc

तो यहाँ पे पेपर टू हम स्टार्ट करें जहाँ पे हम 8.1 और 8.2 यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे इम्पैक्ट ऑफ़ हिंदुज़्म बुद्धिज़म क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और अदर रिलीजन्स के ट्राइबल सोसाइटी पे तो सबसे पहले जब बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम यहाँ पर आते हैं कि ट्राइबल सोसाइटीज़ पे इन सारे रिलीजन का क्या इम्पैक्ट रहा है ठीक so uh, 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 है सो दिस इज अ क्वेश्चन नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है रिमेंबर एक ये एंड देन एक सिमिलर यूनिट है यूनिट फोर आई थिंक यूनिट थ्री में एक सेम टॉपिक है ऐसे ठीक है तो आपको यहाँ पे सिर्फ ट्राइबल सोसाइटी के जहाँ पे इंडियन सोसाइटी होगा सो एक सवाल तो हर साल आता है आप चेक कर लो पेपर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइबल रिलीजन क्या है जब हमको यहाँ पे इम्पैक्ट स्टडी करना है ट्राइबल रिलीजन पे ठीक है ट्राइबल सोसाइटीज़ पे तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइबल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है तो ट्राइबल रिलीजियस प्रैक्टिस में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है नेचर मैन स्पिरिट आपने पढ़ा होगा एन कॉम्प्लेक्स करके हमने पढ़ा था यहाँ पे उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो नेचर बेसिकली यू नो यहाँ पर uh, हम सुपरूमन जैसे हम कहते हैं देर इज़ अ वर्ल्ड नो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड इस वर्ल्ड की भी बात कोई वर्ल्ड है सो दैट इज़ समथिंग वी कॉल इट एज अ सुपर ह्यूमन वर्ल्ड और सुपर यू नो बिलीव करते हैं उसके बाद रिलेशन भी है हमारा कि मान लीजिए कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम ऐसे सोचते हैं कि वन सब मैन इज़ डेड और वुमेन इज़ डेड तो वो कहीं चला जाता है फिर हमारा कोई कनेक्शन नहीं बचता बट ट्राइबल बिलीव की इवन जब कोई इंसान मर जाता है या सुपर ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाता है तो हम वी स्टिल हैव अ रिलेशन नेक्स्ट आता है रिचुअल्स और इस ये सारी चीज़ों को डील करने के लिए रिचुअल्स जो है वो कनेक्टिंग फोर्स के तौर पे काम करते हैं अगर हम ट्राइबल्स बेसिकली अगर हम ट्राइब्स के बारे में देखते हैं कि इसको अगर हमको डिफ़ाइन करना है तो कौन से पॉइंट्स होंगे जिसके साथ हम ट्राइब्स को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो ट्राइब आइसोलेटेड होती है उसके बाद नेचर के साथ सिम्बोटिक रिलेशन होता है शाय होती है तो वो जो नॉर्मल uh, या फिर मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उनसे जो कनेक्ट होता है उसको मोस्टली दे ट्राई टू अवॉइड इट उसके बाद इलिटरेसी नाउ ट्राइबल लिटरेसी एंड मेन स्ट्रीम लिटरेसी इज़ टू डिफरेंट थिंग अकॉर्डिंग टू अस जो पढ़ सकता है हु uh, मतलब बोल सकता है पढ़ सकता है इज़ अ लिटरेट बट ट्राइबल्स में लिटरेसी इज़ नॉट इवन अ कॉन्सेप्ट उनमें उन लोगों में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि पढ़ाई लिखाई करना उनके इसमें होता है हंटिंग गैदरिंग ठीक है ट्रेडिशनल नॉलेज ये सारी चीज़ें होती हैं उनके लिटरेसी में बट अकॉर्डिंग टू अस इलिटरेट देन सेल्फ सफिशिएंट होती है हंटिंग गैदरिंग हंड्रेड परसेंट डिपेंडेंट ऑन नेचर तो एक सेल्फ सेल्फ सफिशिएंट होता है मिनिमम डिजायर्स मिनिमम वॉन्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड मैक्सिमम यू नो यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ सबसिस्टेंस इकोनॉमी होती है मतलब आ, जितना उनको रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोड्यूस होगा एंड उतना कंज्यूम हो जाएगा एंड यहाँ पे मैंने सिंपल यूज़ किया है वर्ड अगर प्रीमेटिव कल्चर जो ई वी टाइलर ने बुक लिखा है उसके हिसाब से ट्राइबल्स आर प्रीमेटिव या बैकवर्ड ये समझ सकते हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बेसिकली आप उनके साथ अटैच कर सकते हो अब हम देखते कुछ ब्रॉड ट्राइबल रिलीजन के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ठीक है तो सबसे पहला होता है बिलीफ इन स्पिरिट यू कैन सी ओवर हियर इट इज बिलीफ इन स्पिरिट ठीक है जस्ट मिनट, ओके? सो दिस इज बेसिकली बिलीफ इन ओके तो फिर यहां पे आप समझिए दीज आर दी दैरेक्टर्स ठीक है ओके सो दिस इज बिलीफ इन स्पिरिट उसके बाद एंसेस्ट्रल वर्शिप आप अपने पूर्वजों की पूजा करेंगे फिर नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो है आप उसको भी स्टडी करते हैं नेचर मैन स्पिरिट आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है यूनिट नंबर थ्री पे तो अगर आपको इस पर डिटेल्स चाहिए तो आप प्लीज़ वो वीडियो रेफर कीजिए सेक्रेट ग्रूव्स सेक्रेट ग्रूव्स मतलब ऐसा एक मान लीजिए जंगल है जंगल का एक कोई पार्ट होगा यहाँ पे जो भी प्लांट एंड एन एन एनिमल्स होंगे वो सेक्रेट होंगे मतलब यहाँ का प, जो प्लांट होगा ना वो कट करेंगे ना यहाँ के फूड्स खाए जाएंगे यहाँ पे एक सॉर्ट sort ऑफ of ऐसे होगा कि ये एंसेस्ट्रल है यो जो जो इनकी जो स्पिरिट्स होंगी वो यहाँ पे रहती है या फिर गॉड यहाँ पे रहते हैं ठीक है सो दिस इज बेसिक अबाउट इट उसके बाद रोल ऑफ रिलीजन इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ तो ट्राइबल्स के लिए ये चीज़ आपको समझनी है कि रिलीजन इज अ वे ऑफ़ लाइफ फॉर देम ठीक है रिलीजन इज़ नॉट समथिंग की पूजा वगैरह इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ हर चीज़ अगर फेस्टिवल्स रिलीजन के साथ मार्केट रिलीजन के साथ सेरेमनी रिलीजन के साथ तो ये सारी चीज़ें होती है उसके बाद उनका जो मेन बिलीफ होता है वो है एनिमिज्म मतलब बिलीफ इन सोल आत्मा में विश्वास रखना फिर रिचुल्स राइट्स वर्शिप एंड प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें उनकी अलग होती है उसके बाद उनके मिथ्स वैल्यूज़ बिलीफ ठीक है ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है और जैसे कि मैंने बताया डांस उनका मतलब रिलीजन के साथ डांस होता है सॉन्ग होता है मंत्रा होता है नेचर ठीक है एंड देन देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड अभी हम जो है बेसिक आ, आ जाते हैं मेन टॉपिक पे तो जब हम मेन टॉपिक पे भी यहाँ पे आ जाते हैं तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 8.1 पेपर टू मैंने अभी आपको ट्राइबल रिलीजन के बारे में बताया तो अब केस स्टडी स्टार्ट करते केस स्टडी में हम स्टडी करते हैं टोडा ट्राइब ठीक है अभी आपको बताना है कि टोडाज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे ठीक है पॉस्को पॉस्को के केसेस जो है टोडा तो, युद्ध यू, पे लग रहे हैं तो आपको मतलब आई एम गिविंग योर टास्क कि आपको ढूंढना है कि वॉट इज़ दिस इशू बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू लॉ एंड देन सोसाइटी में जो डिफरेंस होता है जो गैप होती है वो ये चीज़ आपके सामने रख देगी ठीक है तो टोडाज जो है वो कहते हैं कि टोडाज एंड द भेलोज वेर क्रिएटेड बाय देयर गॉडेस ठीक है हेंस डेरी इज़ देअर मेन प्रोफेशन वो काउ मीट वगैरह नहीं खाता है इकोनॉमिक और सोशल लाइफ जो होती है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है एंड वो डेरी जो होती है उसको अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इवन रिलीजन जो है उसमें डेयरी और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ देयर रिलीजन एंड जहाँ पे काउज रखती है उस प्लेस को वो सेक्रेट बफिलोज जहाँ पे रखते हैं दैट प्लेस इज आल्सो सैक्रेड एंड उसको भी वो उसी टाइप से मेंटेन करते हैं अब हम आ जाते हैं हमने ट्राइबल रिलीजन समझ लिया है बेसिकली कि ट्राइबल रिलीजन क्या है ठीक है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके फीचर्स क्या है एंड हमने केस स्टडी कर ली अब आते हैं कि हिंदुज़म इस्लाम क्रिश्चियनिटी बुद्धिज़्म जैनिज्म इन सब का इम्पैक्ट क्या रहा ट्राइबल सोसाइटी पे मेजोरिटीली अगर हम बात करते हैं तो हिंदुआज़म एंड क्रिश्चियनिटी ये दो चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है ट्राइबल सोसाइटीज़ को देन आफ्टर दैट इस्लाम एंड बुद्धिज़्म सो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन जैसे आप जानते हैं आई वी सी इंडस वैली सिविलाइजेशन में वी वी फाइंड मैंशन अराउंड फोर थाउजेंड बी सी वी हैव रिकॉर्ड ठीक है एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चैनिटी देन इस्लाम एंड देन हिंदूज्मल में अगर आप देखते हैं तो नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ यू नो जैसे अगर आप देखते हो कि पूरे वर्ल्ड में नाइन्टी फाइव परसेंट हिंदूज आर इन इंडिया अगर हिंदू फैमिली देखते हैं तो वी बिलीव दैट फैमिली ऑफ अ माइक्रो रिलीजन और माइक्रो रिलीजन इसको ऐसे समझिए कि आप जिस भी गाँव में जाएंगे यू विल फाइंड कि वहाँ पे कोई ना कोई लोकल डेटी होगी लोकल डेटी होगी मीन्स दे विल बी सम लोकल रिचुअल्स ठीक है यहाँ पे तो हर जगह पे जा जाएंगे तो दिस इज अ स्मॉल रिलीजन दिस इज़ अ स्मॉल रिलीजन दिस इज अ स्मॉल रिलीजन एंड देन इस सबको एक शॉर्ट में बाइंड कर देता है एंड दिस थ्रेड इज एक्चुअली हिंदुज़म Which believe, you know, which binds everyone अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो कृष्ण पूजा साउथ में जाएंगे शिव पूजा ठीक है आप जिस मंदिर में जाएंगे देर इज डिफरेंट गॉड हंड्रेड हंड्रेड ऑफ गॉड ठीक है बट इस सारी चीजों में जो है यूनिटी होती है कि वी वी बिलीव इन सम गुड थिंग एंड दैट इज वट द रिलीजन इज हिंदुज इज तो uh, जैसे कि आपने बेसिकली दिखा है कि हिंदुइजम जो है वो बिलीव इन एन नंबर ऑफ गॉड ठीक है एंड देन हम वर्शिप भी तो एन नंबर बिलीव तो करते ही है बहुत सारे गॉड में देन वी वर्शिप अ लॉट ऑफ गॉड वी बिलीव इन द डॉक्टरिन ऑफ कर्मा वी बिलीव इन द डॉक्टरीन ऑफ मोक्ष वी ऑल्सो बिलीव इन आत्मा ठीक है एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी एक्चुअली हैव फेथ इन अगर हम बेसिकली अगर हम देखते हैं हिंदू ठीक है इफ़ वी सी दैट जैसे धर्मा मैंने बोला है आत्मा धर्मा दीज आर देंट्रल थिंग एज पर एज द रिलीजन इज कंसर्न अगर 1961 का सेंसस देखते हैं तो अराउंड 90% परसेंट ऑफ ट्राइबल्स है दे क्लेम्ड दैट दे आर हिंदू दैन एल पी विद्यार्थी उन्होंने ट्राइबल्स को ट्राइबल्स आर हिंदू उन्होंने सिंपली कहा है कि ट्राइबल्स आर हिंदू आपके लिए सिंपल टास्क यह है कि, कि किसी uh, सोशल स्कॉलर ने कहा है कि ट्राइबल्स आर बैकवर्ड हिंदू नाउ टेल मी द नेम ऑफ दैट स्कॉलर जिसने ये चीज़ कहा है कि ट्राइबल्स आर बैकवर्ड हिंदू ठीक है अगर देखते हैं कि रीजंस क्या है हिंदुआज़म फॉलो करने के कि ट्राइबल्स का अपना रिलीजन है या फिर बहुत सारे रिलीजन है बट हिंदुज़म ही क्यों तो सबसे पहले आता है कि नेबर्स अगर हम इस पॉइंट को समझते हैं तो इसको ऐसे समझिए कि कोई भी ट्राइब है उसके इमीजिएट नेबर में क्या है तो मोस्टली मेजोरिटीली हिंदू ठीक है उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे हिंदू सोसाइटी में संन्यास लेने से पहले होता है वान मतलब जो इंसान होगा वो जंगल में जाएगा एंड जंगल में दे विल भी ट्राइबल्स तो एजुकेशन ये सारी चीज़ें जो है उसमें एक हैवी रोल पार्ट करती है उसके बाद ट्राइबल जो थे वो उनकी विलिंगनेस भी थी ज्वाइन करने के लिए ओके द नेक्स्ट इज रिज़ल्ट ऑफ हिस्टोरिकली ट्राइबल्स वे क्लोज टू हिंदूज जैसे हम देखते हैं कि दीज वेर क्लोज टू हिंदूज़ मॉडर्नाइजेशन का इफेक्ट एंड अ जब दो कल्चर साथ में होता है तो देर इज़ मिक्सिंग मोस्टली एंड ऐसे होता है कि जो मेजॉरिटी ली जो डोमिनेंट कल्चर होता है वो जो लिटिल ट्रेडिशन होता है या लिटिल कल्चर होता है उसको कट कर लेता है मतलब ख़त्म ही कर देता है सो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ़ द रीजन रीज़न इज दिस कि हिंदुइज्म फॉलो करने के ये रीज़न्स थे नेक्स्ट आता है कि इम्पैक्ट क्या हुआ uh, हिंदू रिलीजन जब फॉलो करने लग गए ट्राइबल तो इम्पैक्ट uh, क्या हुआ तो so, ट्राइबल्स जो है मोस्टली हमने फ्यूचर में मैंशन नहीं किया वो ट्राइबल्स आर मतलब उसमें कोई ऊंचा नीचा इस टाइप का नहीं होता है देर इज किंग देर इज सम सॉर्ट ऑफ चीफ बट अगर बाकी सारा हम देखते हैं तो दीज आर दे पीपल विच आर मोस्टली इग्लिटेरियन बट सिंस दे दे एडोप्टड हिंदुइज्म तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया था वो था कि दे डिस्कार्डेड दिस इगेटेरिज्म उसके बाद उनमें सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स या मतलब उनको फील हुआ कि वी आर नाउ पार्ट ऑफ अ लार्जर रिलीजन तो दिस सुपेरिटी डेवलपमेंट होती है फिर संस्कृत एंड मॉडर्नाइजेशन ये दो चीजें हैं यहाँ पे भी आपने ट्राइबल्स के मॉडल्स देखे देखेंगे फ्यूचर में हम देखेंगे जैसे क्षत्रियाइजेशन या वैशाइज़म ठीक है ब्राह्मणाइजेशन सो ये सारे मॉडल्स है राजपूताइजेशन सो तो ये सारे जो भी मॉडल है राजपूत मॉडल वगैरह तो ये इम्पैक्ट हुआ उसका उसके बाद मॉडर्न एग्रीकल्चर उन्होंने अडॉप्ट करी उसके बाद हिंदू रिचुअल्स जैसे मंत्र आइडल वर्शिप रिचुअल्स ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर एक इम्पैक्ट होती है उसके बाद वेजिटेरिज़म लेबर मार्केट में जॉब एंड कास्ट सिस्टम ये सारी चीज़ें उनके इम्पैक्ट में आएँगी इसमें से आपको पूरा नहीं लिखना है जैसे रीजन्स में आपने चार लिख दिए इम्पैक्ट में चार या पांच लिख दो उसके बाद थोड़ा सा उसको एलेबोरेट कर दो केस स्टडी देखते हैं केस स्टडी है कोरा ट्राइप की केस स्टडी बहुत जरूरी है सबने लिखनी चाहिए केस स्टडी आप जब लिखते हो वहां पे तो एक डिफरेंस समझ लीजिए जहां पे आपको दस में से छः मिलेंगे केस स्टडी के बाद दस में से सात मिलेंगे दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केस स्टडी ठीक है सबसे so, आते हैं हम कोरा ट्राइब पे कोरा ट्राइब बेसिकली दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदूस दिस इज समिंग दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये हिंदूज से जो थी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी देवेंट फॉर नेचर नेचुरल वर्शिप एनिमल सेक्रीफाइस काली माता एंड सरस्वती माता इनकी भी पूजा होती थी अभी आ, जैसे मैंने बताया था कि उस टाइम पर मैंने ये न्यूमोनिक बताया था प्लीजर करके प्लीजर एम आर या फिर इसको ऐसे लिखी कि मिस्टर प्लीज ठीक है अब इसका फुल फॉर्म अगर आपको जानना है तो आप जाइए और वो वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा तभी तो आप एट पे आए हो पॉलिटिकल लिटरेचर इकोनॉमिक आर्ट ठीक है सोशल इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल यहाँ पे इकोनॉमी हुई तो ठीक है रिलीजियस एंड दिस मॉडर्नाइजेशन एंड चीज़ें जो है इम्पैक्ट होती है तो हिंदुज़म ने पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या डाला है तो पेशा के थ्रू ट्राइबल्स में आपको भी आ, बेसिकली डेमोक्रेसी सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको नज़र आता है ठीक है लिटरेचर में आपने जैसे बहुत से एक होता है कि अगर ट्राइब कही है तो उनके लिटरेचर में आ जाएगा सो so, ये तो आपने जो मैंने बताया उसके हिसाब से तो लिखना ही है बट कैरेक्टरिस्टिक्स रीजंस एंड इम्पैक्ट ये तीन चीज़ें भी आपको मैंशन करनी है सेकेंड आते हैं बुद्धिज़्म पर सो सिद्धार्थ गौतम इन द ईयर फिफ्टीन फाइव टू फोर एटी सो दिस इज़ टाइम फ्रेम वह सिद्धार्थ गौतम बिकम बुद्धा तीन रत्न है ठीक है बुद्धिज्म के ये इंपॉर्टेंट रखना है के एफ सी के एफ सी आपको याद रहेगा हमेशा किंटकी फ्राइड चिकन बट राइट नॉलेज राइट कंडक्ट एंड राइट फेथ ओके नॉट फंक्शन फेथ ठीक है सो so, ये हो गए थ्री रत्न उसके बाद एट पाथ बेसिकली एथिकल कोड था राइट स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस एक्सरसाइज मेडिटेशन Uh, उसके बाद कंडक्ट ये सारी चीजें आती है फिर चार ट्रूथ चार नोबल ट्रूथ है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज डिज़ायर्स आर द कॉज ऑफ सोरो इफ यू एलिमिनेट द डिज़ायर देन यू कैन बी यू नो यू कैन अटेंड द फ्री फ्रीडम फ्रॉम दिस थिंग एंड देन फॉर दैट अष्टांग मार्ग मतलब आठ पाथ अब देखते इम्पैक्ट क्या होता है ठीक है रीजंस तो ऊपर के जो भी मैंने ऊपर मेंशन मैंशन किए वही रीजंस होंगे या थोड़े आप ऐड कर सकते हो कि बुद्धिज़्म जैसे कि सेंटर से क्लोज था उसके बाद एक सेकुलर सॉर्ट ऑफ इगैलिटेरियन रिलीजन था जो ट्राइबल्स को आ, अपने जैसे ही फील होता है यू you नो know? तो दैट इज कैन बी वन ऑफ दू रीजन्स इम्पैक्ट पे आते हैं तो सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट दिस वाज मोर ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट इक्वालिटी पे बेस्ड था जो ट्राइबल से एक्चुअली ली थी बट ट्राइबल में वापस भी किया था दैन इट वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन हिमालयन बेल्ट इट वॉज बेस्ड ऑन इगैलिटेरियनिज़्म फिर पाली वर्ड्स जो है वो ट्राइबल लैंग्वेज में स्प्रेड होते हैं देन नेचुरल वर्शिप है देन नॉन वायलेंस है एंड नॉन एक्सप्लोइटेशन एंड दिस बुद्धिज़म एंड इस्लाम बेसिकली अगर बुद्धिज़म और इस्लाम अगर हम ये दो पर्टिकुलर सोचते हैं तो एकदम मार्जिनल इम्पैक्ट था क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ट्राइब एंड पॉपुलेशन इसमें कवर होती है जैसे बोट्स भु, भुतिया लेपचा चकमा एंड नागा इतनी यू नो एग्जांपल के लिए आपको इतनी ट्राइब्स लिखने की ज़रूरत है उसके बाद आप एक छोटा सा मैप बना दीजिए इंडिया का एंड ऐसे आप जैसे सिंपली आपने मैप बना दिया है यू ड्रॉ हिमालय एंड यू ड्रॉ दिस थिंग ओके एंड यू विल बी यू नो नेमिंग दिस लेपचा चकमा नागा कम्युनिटी है ऑल्सो एंड देन यू विल राइट हिमालयन बिल्ट सो दैट विल ऑल्सो डू द जॉब कि स्टडी में देखते हैं मोनपा कम्युनिटी ठीक है मोनपा कम्युनिटी बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में है जो इम्पैक्ट स्टडी करती है थेरावाड़ा फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म मतलब यहाँ पे जो है इम्पैक्ट थेरवाड़ा जो स्कूल है बुद्धिज़्म जो ऑर्थोडॉक्स जो पुराना वाला है उस वाले स्कूल से ये इम्पैक्टेड है मोनपा ठीक है मोनपा बेसिकली भी उनके मैरिज फूड एंड कस्टमरी लॉज दीज थ्री ऑफ द थिंग्स हैव है मॉडल ऑन द बुद्धिस्ट देन नेक्स्ट आते हैं क्रिश्चन क्रिश्चनिटी इम्पैक्ट सेंट थॉमस फर्स्ट प्रोपोनेंट 2000 साल पहले इंडिया में आते हैं उसके बाद क्रिश्चन इंपा क्रिश्चनिटी जो स्प्रेड होती है वो कॉलोनाइजेशन पे होती है उस टाइम पे होती है ये वर्ड आप याद रखिए वो दो दू एंड्रे डच इंग्लिश एंड फ्रेंच सो इस सिक्वेंस में जो है मोस्टली पोर्तुगेज एंड इवन डच एंड इंग्लिश तीनों ने इंग्लिश ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेवनटीन थर्टीन ना ना एटीन हंड्रेड थर्टीन एटीन थर्टीन चार्टर में अलाउ कर दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट प्लीज करेक्ट मी इफ आई देन हेल्थ बहुत सारे हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज ये सारी चीज़ें फिर एजुकेशन अच्छी स्कूल दैन प्रिंटिंग ये सारी चीज़ें क्रिश्चनिटी ने साथ में लाते दैन फाइव परसेंट ऑफ द ट्राइबल्स उन्होंने क्रिश्चियनिटी क्रिश्चैनिटी की एंड अगर टोटल क्रिश्चियनिटी देखे इंडिया में उसमें से वन फिफ्थ ट्राइबल्स है फाइव परसेंट ऑफ ट्राइबल्स आर क्रिश्चियन एंड वन फिफ्थ मतलब पकड़ लीजिए ट्वेंटी परसेंट ऑफ क्रिश्चन आर ट्राइबल्स देन रीजन्स फॉर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी क्या क्या रीजन्स थे सबसे पहला तो आप समझते कॉलोनाइजेशन उसके बाद मिशनरी वर्क मिशनरी वर्क मतलब uh, hmm. लोग जा जाकर दे यूज टू यू नो आस्क फॉर दिस थिंग स्प्रेड ऑफ रिलीजन दैन क्रिश्चन एक्चुअली वर्क बेटर इन रिक्वेस्ट फॉर यू नो प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया दैन दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है क्रिस्चैनिटी उसके साथ जब आप अटैचमेंट आपकी होगी तो सेल्फ इमेज यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट सेम सेल्फ इमेज सेंस ऑफ सुपेरिटी ये सारी चीज़ें एंड मॉडल ऑफ एक्सप्लोटेशन जो बेसिकली सैडली कॉलोनाइजेशन के टाइम पर जो हिंदूज रिप्रजेंटेटिव थे जैसे मनी लेंडर्स ये सारी चीज़ें ये जो लोग थे जब इन्होंने ट्राइबल रीजन में गए उन्होंने एक्सप्लोर्टेशन किया सो दिस वाज नॉट समथिंग विच वाज लाइकड बाय ट्राइबल नो वन वुड लाइक इट एंड उसी टाइम पे मिशनरीज ने क्रिश्चन मिशनरीज ने एजुकेशन हेल्थ यू नो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की सो नो दैट वॉज अ नेचुरल रिस्पॉन्स एंड नेचुरल वे फॉर ट्राइबल्स तो मॉडल ऑफ एक्सप्लोर्टेशन उन्होंने अवॉइड किया एंड देन प्रिवेंटेड एक्सप्लोर्टेशन जैसे मनी लेंडर्स वगैरह का जो हरासमेंट था वो क्रिश्चियन मिशनरीज एंड दे जस्ट अवॉइडेड इट फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये बेसिकली एग्जाम्पल्स है यहाँ पे खासी मुंडा और मिजो नागा एंड गारो दीज आर दी ट्राइबल कम्युनिटीज जिन्होंने क्रिश्चियनिटी ये की है ठीक है मुंडा बिरसा मुंडा जो है लॉर्ड बिरसा मुंडा वही ये कम्युनिटी है इम्पैक्ट क्या हुआ इस चीज का तो सबसे पहला न्यू मेडिसिन इंडिया में एलोपैथ पहले आयुर्वेदिक वगैरह था बट इट यूज़ टू टेक टाइम बट ट्राइबल्स दे स्टार्टेड यू नो टू दिस न्यू मेडिसिन एलोपैथिक देन रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट भी स्टार्ट होता है क्योंकि जब आपका रिलीजन कन्वर्जन होता है तो जैसे बिरसा मुंडा मूवमेंट हुआ था रिवोल्ट हुआ था सो so ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था देन मेडिसिन मैन जो होते थे ठीक है ये सारी जो कल ट्रडिशनल चीज़ें थी ये सारी चीज़ें uh, दिन मैजिक मैजिकीसली दिस थिंग ये जो थे मेडिसिन मैन इनका जो रोल था वो रिड्यूस हो गया फिर ट्राइबल्स को क्रिश्चैनिटी uh, के कारण दे वेर एक्चुअली यू नो इम्पैक्टेड बाय मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन मतलब वो मॉडर्नाइज भी हुए वेस्टर्नाइज भी हुए जब उनका कांटेक्ट क्रिश्चैनिटी के साथ हुआ कल्चरल लाइफ में बहुत से चेंजेस आए जैसे फेस्टिवल्स होते हैं फेस्टिवल्स बहुत सारे चेंज हो गए उनके ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स प्लस क्रिश्चन uh, फेस्टिवल्स दोनों भी सेलिब्रेट होने लग गए देन मैरिज पहले होता था कि ट्राइबल इंटोगेमी फॉलो होती थी कि मतलब ट्राइब में ही शादी होती थी बट देन क्रिश्चनिटी के बाद अक्रॉस द ट्राइब मैरिज स्टार्ट हो गई फेस्टिवल्स ऑलरेडी कम्प्लीटेड ऑफ ट्राइबल्स आर क्रिश्चन वन सिक्स इन देंस टोटल क्रिश्चन जितने थे <coughs> उसमें से वन सिक्स जो है वो ट्राइबल्स थे देन एजुकेशन वैल्यू एंड मोरल्स इन चीज़ों में द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस छोड़ दी तो दीज वेर द इम्पैक्ट इसमें से आपको चार पाँच छः आप लिख लीजिए तो यू विल बी गुड की स्टडी मनीपुर के देखते हैं मणिपुर में बेसिकली एनिमिज्म हुआ करता था एनिमिज्म मतलब होता है बिलीव इन एनिमा देट इज़ सोल और देन अभी नाउ दे हैव मूव तो टू वन सुप्रीम गॉड एंड अगर यहाँ देखते हैं तो कल्चर वैल्यू कस्टम एजुकेशन एक्सेट्रा चीज़ें जो है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है नेक्स्ट टॉपिक आता है इस्लाम इस्लाम एंड बुद्धज़म इनका जो इम्पैक्ट है क्रिश्चैनिटी पे ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है एट सेंचुरी एडी मतलब ये अभी ज़्यादा नहीं जिस बारह साल पुराना पकड़ लीजिए इट इज़ क्वाइट न्यू रिलीजन ठीक है As uh, as far as the tribals are द and even um, this uh, Indian land is concerned, then with Arab invasion, invasion सबसे पहले but प्रॉब ये दो सेक्ट आते हैं शिया सुन्नी उसके बाद बहुत सारे uh, जैसे होते वो चिष्टी ठीक है वगैरह सूफी सेंट्स ओके okay, तो ये आते हैं तो सूफी सेंट्स का जो मैसेज था वो आई एम गोइंग टू टेल यू लव टू गॉड डिवोशन उसके लिए आपको ट्रांस चाहिए वो आप डांस और सम सॉट ऑफ इंटॉक्सिकेंट हो सकता था ब्रदरहुड इगेलिटेरियनिज़म पीस एंड इक्वालिटी ये सारी चीज़ें जो है वो हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सूफीजम नेक्स्ट टॉपिक आता है जैसे कि इस्लाम के कारण लैंग्वेज ड्रेस क्रूजिन आर्ट आर्किटेक्चर कस्टम ड्रेस जैसे लैंग्वेज में उर्दू परशियन ड्रेस में अनारकलीस ऑफ यू नो शेरवानी वगैरह थी क्रूजिन में बिरयानी, यू कि कबाब वगैरह आर्ट में दस जाली आर्ट अरेबिसक्यू आर्किटेक्चर में दस मिनारेट्स कस्टम्स में बहुत सारे यू नो गंगा जमुनी तहजीब या बहुत सारी चीज़ें उसके बाद ड्रेस ड्रेस कोड में बहुत सारे देन एग्ज़ाम्पल्स इसमें बहुत कम है जैसे सिड्डी बाकरवाल भिल खोटी धनकरी एंड लक्षद्वीप में जो भी कम्युनिटीज है सो दैट हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दअ लाइफ नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड तो दिस इज समथिंग इस्लाम इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड एंड दिस इज समथिंग ट्राइबल्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन तो की स्टडी देखते हैं यहाँ पे इस्लाम पे मीर कम्युनिटी की जो गुजरात से है मीर इज अ मुस्लिम ट्राइब बट वहाँ उसका जो मेंबर होगा उसके दो नाम होंगे एक हिंदू नाम एंड एक मुस्लिम नाम Uh, क्योंकि दोनों साइड का इन्फ्लुएंस है उसके बाद जो डेड बॉडी होगी उसको गाड़ा जाएगा बरी किया जाएगा जलाया नहीं जाता है बट सरकमसाइज एंड मैरी मुस्लिम वे में होता है शादी और खतना uh, ये मुस्लिम वे में होता है बट पॉलीगैमी नहीं होती देर इज़ ओनली वन मैन मैरिंग वन वुमेन ऐसे नहीं कि एक आदमी चार औरत से शादी करेगा ये नहीं है वन मैन वन वुमेन तो पॉलीगामी नहीं है उसके बाद दे ऑल्सो डोंट ईट काउ बीफ ठीक है वो काउ बीफ भी नहीं खाते सो दिस दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ केस स्टडी जिसमें यूनिक है कि देर इज अ डिफरेंस बट उस डिफरेंस को आप मिनिमाइज करके यू जस्ट यू नो ट्राई टू फाइंड अ पीस सो दैट इज़ वॉट अ मीर ट्राइब इज डूइंग मीर ट्राइब का जो हिस्ट्री है वो सोलंकी डायनेस्टी तक जाता है चन, चंदेला एंड सोलंकी डायनेस्टी दैट इज डिबेटेड बट यू कैन थिंक उनको इतने टाइम से दे हैव अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस लैंड एंड दिस सॉयल एंड दे आर समवन जो दे दे आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या करना है पीस कैसे आता है वो हर नमाज को जो है हर फ्राइडे को नमाज पढ़ता है बट हिंदू फेस्टिवल जैसे होली गोद भरा जन्माष्टमी नवरात्रि ये भी सेलिब्रेट करता है सो दिस वॉज एट पॉइंट वन आई होप यू लाइक इट नाउ वी विल मूव टू ट्राइब एंड नेशन स्टेट एंड विच वी एट पॉइंट टू सो थैंक यू सो मच एंड Stay tuned.